आज हमारे यहाँ धारावी में उमेन जी का फंक्शन चालू है। अब हम सीनियर ऑफिसर से बात करने जा रहे हैं। सर सर कुछ आप सर यहाँ धारावी में उमेन जी का फंक्शन चल रहे हैं, जिस कारण आप यहाँ पे आए। ये उमेन जी का फंक्शन है जिस धारावी में, अब ये धारावी चौकी के हेड ऑफिसर सीनियर पे, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? एक्चुअल अभी वुमेंस डे आज 8 मार्च का है, 8 मार्च में वुमेंस डे पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो उसके लिए हमारे मुंबई पुलिस ने एक हफ्ते का पूरा प्रोग्राम बनाया है। उसमें हम महिलाओं को जागरूकता कैसे आएंगे, महिलाओं को लॉ का कैसा मालूमत हो जाएगा, बाकी अलग अलग क्षेत्र से डॉक्टर्स है, NGOs है, उनको बुला के उनको मालूमत देंगे कि बाबा क्या करेंगे, क्या करने का है महिलाओं के लिए, क्या कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, हम रोड शोज भी अभी करने वाले हैं हफ्ते में महिलाओं के साथ, बाकी कुछ स्कूल में जाके कॉलेज में जाके बच्चों को लॉ के बारे में सब जो भी है वो बातें हम कर रहे हैं। और सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका पोस्ट जानना चाहता। मेरा नाम है बलवंत पाटिल, सीनियर PI धारावी पुलिस स्टेशन। बोलो बोलो, नहीं हो गया, सीनियर साहब ने बोला। निर्भय पथक मैडम बोलेंगे। निर्भय पथक एक्चुअल जो साकिनाथ की घटना, सर बोला बोलो, ठीक है बोला। मुंबई पुलिस की तरफ से एक उपक्रम है निर्भय पथक, कोई भी कॉल किया जाएगा तो उसको एक 5 मिनट के अंदर उसको अटेंड किए, अटेंड करने वाली महिला रहती है, महिला स्टाफ रहते हैं, तो महिलाओं को कंप्लेंट के लिए कभी भी ज़रूरत लगे तो 103 नंबर है, 1098 नंबर है, या कभी भी ज़रूरत लगे तो लेडी ऑफिसर है उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका एश्योरेंस मुंबई पुलिस देती है। और पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी उनके लिए एक इंस्पेक्टर दिया है, साइबर क्राइम होगा तो उसके लिए भी साइबर ऑफिसर काम कर रहे हैं, उसके लिए भी तो ऐसे दिक्कत नहीं रहेगी। अभी ज़माना बदल गया है, कोई भी महिला का कॉल गिरेगा आएगा तो कंप्लेंट तुरंत लिया जाता है, जिस तरीके का होता है उसका सॉल्व किया जाता है और आरोपी को जेल बंद किया जाता है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़ और नाम से बोला ना मैडम। आज धारावी पुलिस स्टेशन में मैं निर्भया इंचार्ज हूँ, निर्भया अधिकारी हूँ, और हमारे जो LNDO सर है, माननीय CP LNDO सर नागरे पाटिल, उन्होंने बोला था कि सब महिलाओं को इकट्ठा करके 8 मार्च के लिए जागतिक महिला दिन पे प्रोग्राम आयोजित करना है। इसके लिए हमने आज 8 मार्च का जागतिक महिला दिन प्रोग्राम आयोजित करके सब महिलाओं को, डॉक्टर, एडवोकेट और एक उद्योजिका व बिजनेस वुमन महिला है, उनको मतलब मोटिवेशनल उनको इन्फॉर्मेशन जाए, इसके लिए उनको एकत्रित कलेक्ट करके उनको इन्फॉर्मेशन दिया। और मैंने जो वुमन अगेंस्ट क्राइम हो रहे, चाइल्ड अगेंस्ट क्राइम हो रहे, उनके बारे में और नशा अभी बढ़ रहा है, नशे के क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में मैंने सबको जानकारी दी। और मैडम आपका नाम, आप कौन से चौकी के ऑफिसर हो, क्या हो आपको उसमें? मैं धारावी पुलिस स्टेशन में API वैशाली बोर से हूँ, और मेरा इधर काम है, मैं निर्भया, मतलब अभी जो गवर्नमेंट ने निकाला है कि सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चे, महिला है, यंग लड़के लड़की है, उनको सबको काउंसलिंग करने का, उनको ऊपर जो अत्याचार हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, उनके FIR लॉन्च करने का, ये सब काम हम करते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। आप हमारे चैनल में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ संदेश देना चाहेंगे?
निर्भय पा सकते हैं। जैसे इन लोगों ने बताया कि अगर महिला खुद से मजबूत होती है तो महिला एक महिला सब पे भारी, वैसे अगर एक महिला अगर एक कदम उठाएगी ना तो 10 महिला 10 कदम उठाएंगी। एकजुट होते हो गए तो सब काम सही से हो जाएगा। एक पुरुष ऐसा नहीं कर सकता जो औरत कर सकती है। थैंक यू। हाँ पहले आप ये बोलिए, पहले तो हमारे मेरा नाम सबा परवीन शेख, मैं धारावी से हूँ। सपना जो सेड ऑफिस है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, मैंने खुद के भाई को नशा मुक्त में डाली थी। और लोग बोलते हैं ना नशा मुक्त में डालो, पैसा बेच जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं, उल्टा सही होते हैं उसमें। अभी देखो मेरा भाई खुद का सही हुआ है, गाड़ी चलाता है बड़े भाई के साथ में। वो अभी शादी होने वाला है उसका, अगले साल तक का हो जाएगा उसका शादी। लोग बोलते हैं नशा करने वाला कभी नहीं सुधरेगा, पर सुधारने वाले सुधार देते हैं उसको। क्या हिसाब से मैडम आपके भाई का नशा छूटा, जरा बताओ। उसको नशा मुक्त में डाले थे। और क्या क्या नशा करता था आपका भाई? मेरा भाई वाइट चरस गांजा तम्बाकू गुटखा सिगरेट दारू सब पीता था। उनका उम्र क्या है? भाई का उम्र, मेरे भाई का उम्र है 22 साल का है। और ये कब नशा छूटा उसका? ये नशा छूट के बस कुछ ही दिन की बात है। अभी उसको अच्छा लगता है, अभी वो घर से बाहर नहीं जाता है, उसको अभी घर में रहना पसंद है। कभी उसके सामने कोई नशा करने में निकला तो उसको नफरत होता है। हाँ, अभी हमारे साथ में अरुण देव फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अरुण कुचिकोर हैं। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे और जानेंगे उनकी राय कुछ नशा मुक्ति के बारे में। हाँ नमस्ते, मेरा नाम है अरुण कुंचिकोर, अरुणोदय फाउंडेशन एनजीओ। काफ़ी टाइम से धारावी से, कम से कम मैं कुछ 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ और 5 साल से एनजीओ ओपन होकर उस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे डी एडिक्शन पेशेंट हो गए, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट हो गए, जो एक्सेसी एलएसडी कोकिन चरस गांजा एमडी पाउडर दारू ये सब में पीपी के धारावी पूरा 90% अस्त व्यस्त हो चुका है। और पिछले काफ़ी टाइम से क्राइम भी बढ़ रहे, कुछ बच्चे लोग के किडनैपिंग रेप मारामारी ये सब बढ़ते ही जा रहा है। तो इसे रोकना है, इसे किस तरह से हम रोक सकते हैं? तो मेरे तरफ से मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ पूरे धारावी वाले को, पूरे भारत को। और इस डी एडिक्शन में अगर पेशेंट को एडमिट करना हो तो मुझे संपर्क करें, उसके बिहेवियर पैटर्न चेंज करेंगे, उससे काउंसलिंग करेंगे, उसका थेरेपी है योगा मेडिटेशन, उस तरह से उनको चेंज करके एक नई ज़िंदगी और एक नया एक माँ को बेटा हम लोग को सौंपते हैं। तो ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, हज़ारों बच्चे लोग को आज मैंने रिहैब सेंटर में एडमिट करके उनके ठीक करके वो काफ़ी एनजीओ में जॉब पे लगाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि धारावी में अगर नशे को रोकना है तो हमसे जुड़ना होगा। और मैं चाहता हूँ कि धारावी में भी एक रिहैब सेंटर मैं ओपन करने का मेरा प्लानिंग चालू है, प्रोजेक्ट चालू है। बस किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट या हमारे धारावी के जो MLA वर्षा ताई है, बस उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई कौन सा भी मुझे एक जगह दे दे कि मैं यहाँ के धारावी लोग के लिए मैं काम करूँ, उनके बच्चे लोग को डी एडिक्शन से बाहर निकालूँ, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर मैं तैयार करूँ। बस मैं इतना मदद करना चाहता हूँ, मदद मांग रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मैं गवर्नमेंट के पास गया, किसी ने मुझे अटैचमेंट नहीं किया मेरे साथ में। तो धारावी के पुलिस चौकी जैसे सब पुलिस चौकी है जो अनहोन पेशेंट है, आज उनको भी रोड से उठाकर मैं आश्रम में एडमिट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि धारावी में अगर ओपन होगा, धारावी वालों लोग के लिए, किसी के बच्चे किसी के बहू अगर किसी माँ बाप को बाहर रोड से हकलते तो मैं अरुणोदय फाउंडेशन उस NGO में उनको सहारा दूंगा। और डी एडिक्शन के लिए बच्चों लोग के लिए उनको एक सहारा दूंगा, उनको एक अच्छा बना के उनकी एक अच्छी नया ज़िंदगी दिलाकर उनके एक जॉब पे एक सेटिंग लगाकर कितना किधर से हम एक रास्ता निकालेंगे। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे समाज का साथ चाहिए, वहाँ के कॉर्पोरेटर हैं MPA MLA उनका साथ चाहिए, गवर्नमेंट का साथ चाहिए, जब जाके धारावी से नशा मुक्त होगा पूरे भारत से नशा मुक्त होगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। हाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ डी एडिक्शन के लिए अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो गया या अनहोन पेशेंट हो गया लावारिश, तो उसके लिए मेरा नंबर है 9136187427। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं और एक बार रिपीट बोलता हूँ, 9136187427।
इस नंबर पे कॉल करके मुझे संपर्क कीजिए, मैं आ जाऊँगा, मेरा टीम है रेडी है, जो अनहोन पेशेंट है उनको एडमिट करने के लिए, जो डी एडिक्शन में जो बच्चे नशे में अस्वस्थ हो चुका है, पूरी तरह से साइकेट्रिक हो चुका है, उनको हमारा पूरा टीम है वो लेकर जाएंगे, सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। धन्यवाद अरुण जी। तूने कैसे मार खाया, जाके मार किया बोलते हैं ना, सभी जितनी माए बैठी है यही करती है। और यही अगर कोई लड़का लड़की रोते हुए आती है, माँ उसका हाथ पकड़ेगी, उसके आंसू पोंछेगी, उसको बोलेगी चल बता किसने तुझे मारा, किसने तुझे मारा। ये मानसिकता हम लड़कियों में डाल रहे हैं कि हर वक्त तुम्हें किसी साथ की जरूरत है। जिस तरीके से हम लड़के को बोलते मार के आ, क्या हम हमारी लड़कियों को नहीं बोल सकते क्या तुम भी जाकर मार के आओ? कितने लोग अभी बोलेंगे घर में जाने के बाद बोलेंगे? आपको बता दूं, स्कूल में भी जो भेजते हैं, लड़का अगर है तो प्राइवेट स्कूल में और लड़की है तो किधर? बीएमसी स्कूल में। और जब भी पूछा जाएगा कि क्यों बीएमसी में, बोले ये तो पराए घर चली जाएगी, इसको पढ़ा के क्या फायदा होता है? दिल से हंस रहे हैं, मतलब ये हो रहा है। इसको हमें बदलना है, इस समाज को अगर हमें बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हम इस समाज का विकास कर सकेंगे, हमारे परिवार का विकास कर सकेंगे। अभी तक जो बातें यहाँ पे हुई है, मैं चाहूंगी कि आप में से कोई आगे आए और कुछ बातें करे। कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं, सिर्फ आज हम सुनने के लिए आए हैं। मतलब आज अभी तक जितनी बातें बोली वो किसी को समझ में नहीं, ऐसा उसका मीनिंग होगा, मतलब आपका ध्यान नहीं है कार्यक्रम में। आपको अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसका सिर्फ सारांश बताना है, आपको क्या क्या समझ में आया। कुलकर्णी सर ने बताया, डॉक्टर आफरीन ने बताया, नेहा मैडम ने बताया, और सबसे बड़ी बात तो माने मैडम ने बताई। थोड़ा सा सारांश बताना है कि आपको आज आप यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं। हाँ, तो उससे पहले हम नशा के लिए भी, मतलब जैसे पेट में दर्द होता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, दिमाग का इलाज करवाना है तो सेक्रेटरी के पास जाते हैं, बराबर ना? तो सेक्रेटरी के पास जाना मतलब मेंटल हॉस्पिटल में जाना, ऐसी बात नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दो, सेक्रेटरी थोड़ी मतलब मानसिक रोग है वो छोटा रहता है, लेकिन उसको सही समय पे और सही तरीके से इलाज किया जाएगा तो वो पूरा ठीक हो सकता है। आपने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे जाके उस व्यक्ति का सब परिवार के ऊपर मतलब बैड इफेक्ट होता है उसका। इसके लिए आप एक दिमाग में निकाल दो कि सेक्रेटरी के पास जाना मतलब अपनी इज्जत कम होना है, बाकी लोग बोलेंगे कि इसको दिमाग की गोली चल रही है, मतलब ये दिमाग से आउट है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे ही नशा के लिए भी सेंटर्स है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सेंटर्स में क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या करते हैं, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अरुण कुंजी कुर्वे। गुड इवनिंग मेरे बहनों और माताओं। धारावी में नशा मुक्त केंद्र अरुणोदय फाउंडेशन, ये काफ़ी टाइम से हम लोग ने इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और डी एडिक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी लोग को पता भी है और कुछ लोग को पता भी नहीं है। जैसे अभी हमारे धारावी पुलिस चौकी हो, साइन हो, माटुंगा हो, दादर हो, सब पर जो हमारे विजिटिंग कार्ड है, जहाँ पे भी अगर ज़्यादा तकलीफ होता है आप लोग को, आपके बच्चे ज़्यादा नशे में डूब चुके हैं या आपके परिवार के आपके हस्बैंड या बाजू वाले बच्चे, तो वो लास्ट में कहाँ पर जाते हैं? पुलिस चौकी में तंग आकर। तो धारावी में ये काम जोरों से चल रहा है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है, आप लोग तक का पता नहीं है, क्योंकि धारावी में जिस तरह का नशा बिक रहा है, चरस, गांजा, फिर बाद में वो MD पाउडर, वो वाइटिंग, तो इसकी वजह से हमारा धारावी बहुत बुरी तरह से नशे में डूब चुका है। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम मेरा क्या कहने का मतलब है कि धारावी में
एक काउंसलिंग सेंटर हमारा ओपन है धराई धोबीगढ़ के पास, और मेरा कुछ वहाँ पे ऑफिस है, और मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है वसई पे, तो वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज करते, काउंसलिंग करते, थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, फिजिकल डॉक्टर आते हैं विजिट के लिए वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, फिर उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज करते हैं। खुद की बीमारी कितने तरीके का है, अलग अलग, गुस्से का, झूठ बोलने का, सच बोलने का, ये सब बीमारियाँ है, वो हम लोग एक पहचान को हमें सिखाते हैं पेशेंट को, और वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद 2 महीने हम लोग उनको पेशेंट रखते, 2 महीने बाद सीनियर बनाते, फिर सर बनाते हैं, फिर डॉक्टर भी बनाते हैं, इंजेक्शन दो, ब्लड प्रेशर चेक करो, तो कितना कितना उसका माइंड पूरा चेंज हो जाता है। उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज होना बहुत जरूरी है एक पेशेंट का, क्योंकि एक नशेबाज वो किसी का नहीं होता है। आज हम लोग छोटे छोटे बच्चे आज बाहर घूम रहे, उनके ऊपर जो बच्चे लोग हैं बाहर जो नशे कर रहे हैं, वो लोग नेगेटिव थॉट के ऊपर ही वो बच्चे लोग के ऊपर रेप हो रहा है ना, या हमारा बच्चा रेप करके आ रहा है, तो हमारी बहन या कजन बहन वो उनके ऊपर भी नजर रखते हैं, लेकिन हाथ नहीं डालते, लेकिन वो नशा करने के बाद वो उनके भी हाथ डालने के लिए पीछे सोचेंगे नहीं। तो हमें नशे को रोकना है, और नशे को रोकने के लिए हमें सबको एक जैसे बनकर ही हमें इस नशे को रोक सकते हैं। जैसे कि अभी अरुणोदय फाउंडेशन, नशा मुक्त केंद्र, ये काउंसलिंग भी होता है इसके अंदर और ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे अभी वो दारू थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ रहेगा तो हम लोग काउंसलिंग करके उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो केमिकल दिमाग में चढ़ जाता है तो पूरी तरह से नेगेटिव सोच आ जाता है उसका, और जब नेगेटिव सोच आता है तो क्राइम बढ़ जाता है। तो क्राइम बढ़ने के बाद पुलिस चौकी में जाने के बाद आप लोग उसे पैसे डाल के छुड़ाते हो, कोर्ट कचहरी काटते हो, या उसका एक्सीडेंट हो गया नशे में तो हॉस्पिटल में जाते हो, उनका खर्चा उठा के उसे ठीक करते हो, नशे के लिए पैसे देते हो, खाने के लिए पैसे देते हो, घर पे चोरी करेंगे, बाहर कर्जा लेंगे, ये सब चुकाने के लिए हम तैयार, लेकिन बच्चे को नशे से मुक्त करना है तो हमें वो नहीं करना है। सिर्फ 7,000 रुपये मंथली फी है, 7,000 रुपीज, उसमें क्या क्या फ्री मिलेगा, सिर्फ खाने का पैसा, ट्रीटमेंट फ्री, बेड फ्री, फिर हमारा काउंसलिंग डॉक्टर साथे विजिट मारने के लिए वो फ्री ट्रीटमेंट है, पूरा 9 मंथ का कोर्स है, और अल्कोहलिक रहेगा तो 7 या 8 मंथ्स का, क्योंकि ब्लड चेंज होने के लिए उनको 6 मंथ लगते हैं, फिर उसके बाद वो ब्लड और नया सर्कुलेशन होता है दिमाग के अंदर, तो वो पॉजिटिव में आ जाता है, जब जाके उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि नशेबाज को छुड़ाने के लिए कोई आसान नहीं है, नशे को छुड़ाने के लिए है कि इसका इलाज है नशे को छुड़ाने का, नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं है, डॉक्टर के पास भी आप जाओगे तो बोलेगा 2 पैक मार, लेकिन आतंकवादी ऐसे नहीं बनते, उसे उसका उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको काउंसलिंग किया जाता है, जब जाके वो आतंकवादी बनता है। तो उसी तरह से हम लोग नशेबाज को अच्छा इंसान बनाने के लिए भी उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, उसे नेगेटिव थॉट निकाल के उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, पूरी तरह से पूरा बिहेवियर पैटर्न चेंज करते हैं, एक एनजीओ कैसे चलाने का वो टेक्निक सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा मेरे जैसा, मैं भी एक नशेबाज था, मुझे झूठ नहीं बोलने के लिए, मैं भी एक नशेबाज था, मुझे 8 साल हो गया छोड़ के, आज मैं रोड का जो अनहोन पेशेंट है वो हम लोग उठाते हैं, मेरे साथ में मेरे ऑफिसर है प्रदीप सालंकर सर, साइन पुलिस चौकी से है, वो पहले साइन हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट रोड के रहते थे हम लोग साथ में मिलकर हम लोग ने काम किया, कम से कम 200-250 पेशेंट हम लोग ने उठाकर आश्रम में एडमिट किए। तो मेरे साथ में पूरे मुंबई की पुलिस भी मेरे साथ में काम करे, जैसे कि धारावी की है, फिर बाद में माटुंगा, बांद्रा, तो सब पुलिस चौकी में मेरा नंबर है। तो अनहोन पेशेंट के लिए हमारा टीम रेडी है, और उनके जान बचा के उनको आश्रम में एडमिट करते, फिर वहां से ठीक करके फिर उनके घर तक छोड़ते हैं हम लोग। तो ये काम चल ही रहा है काफी 8 साल से, और काफी हम लोग ने पेशेंट को घर तक भी छोड़े, और काफी डी एडिक्शन में हमारे जो बच्चे जो हमारे पास आए उनको भी ठीक करके आज वो सही रास्ते पे चल रहे हो, वो 10 लोग को 100 लोग को आज ठीक कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके भी परिवार में अगर कुछ ऐसा होगा, आप यहाँ पे ओपन नहीं होंगे, लेकिन मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए और उस पर कॉल कीजिए, 1-to-1 में मुझसे काउंसलिंग कीजिए, फिर मैं आपको रास्ता बताऊंगा किस तरह से हम लोग बच्चे को ठीक कर सकते हैं। और ये इतना सा बोल के मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ वैशाली मैडम, थैंक यू वेरी मच। एक नशा करने वाला लड़का किसी का बेटा नहीं बन सकता, किसी का भाई नहीं बन सकता, किसी का पति नहीं बन सकता, और अच्छा पिता भी नहीं बन सकता, वो सिर्फ अपने खुद के लिए जीता है, और समाज विघातक व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसके समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ काम का नहीं रहता है, वो उल्टा समाज में गलत काम है जो फैलाता है, उससे हाथ से गलत काम होते हैं, मतलब छेड़छाड़ी करना, किसी को पैसे के लिए जबरदस्ती से चाकू दिखा के उससे पैसा ऐंठना, किसी का रेप कर देना, इसके लिए आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, कोई उसको ऐसी लत लगी है, उसमें कोई शारीरिक मानसिक सिम्टम्स बदलाव आए हैं उसके, तो आप वो ध्यान में रखकर
उसको सही समय पर अच्छे सेंटर में या अच्छे काउंसलिंग सेंटर में डालकर उसकी आदत छुड़वा सकते हैं। मतलब वो आगे जाके एक अच्छा बेटा, पति, पिता, भाई बन सकता है और सबसे बड़ी बात, भारत का एक अच्छा जवाबदार नागरिक बन सकता है। समझ में आया?